हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमजी की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट के लिए सबसे पहली उनकी सुपर स्पोर्ट्स सेडान के बारे में, जिसका नाम रखा गया है एमजी जीटी। नाम से ही आप बता सकते हैं कितनी बेहतरीन इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा, कितना बेहतरीन आपको इसमें लुक्स मिलेंगे। उसके अलावा अभी के लिए इसे मिडल ईस्ट मार्केट्स में लॉन्च करा गया है, भारतीय बाजार में शायद अगले साल तक आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके साथ एमजी ने अपना जो लाइनअप है, वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग की लाइनअप है, उसे एक्सपेंड करा है बहुत हद तक, क्योंकि ये जीटी के साथ आती है और जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रखी गई है। प्राइस की बात करें तो आपको ये मिल जाती है 13,310 USD, जो कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपको अराउंड 9.5 लाख रुपये की आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है। अभी इसे भारतीय बाजार में नहीं उतारा गया, अगले साल तक उतारा जा सकता है। बाकी आपको ये दो इंजन के साथ मिलती है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है वो पावर अप करेगा 118 पीएस की, और ट्रांसमिशन ऑप्शन नेचुरली एस्पिरेटेड के लिए रखा गया इंटेलिजेंट कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। बाकी टर्बो पेट्रोल की बात करें तो उसमें आपको पावर मिलेगी 173 पीएस की और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। जो टर्बो में आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि बहुत बढ़िया ट्रांसमिशन माना जाता है, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड मात्र 8 सेकंड में कवर करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एमजी जीटी जो है वो स्पोर्ट्स चेसिस को अंडरपिन करती है और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम इसमें लगाया गया है और कॉम्पैक्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर को रखा गया है। इसके अलावा इसमें आपको बेटर हैंडलिंग के लिए XDS कर्व डायनामिक कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जो कि सभी वेरिएंट्स के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो 3rd जनरेशन MG स्पोर्ट से रखा गया है। डिजिटल फ्लेम आपको इसमें फ्रंट में ग्रिल देखने को मिल जाती है, LED हेडलाइट्स मिल जाती है, नोज डाउन बोनट मिल जाता है, स्लोपी रूफ रेल्स मिल जाते हैं और स्पोर्टी डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको ब्लैक और रेड का थीम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है, जिसका थोड़ी बहुत यूज़ जो है एमजी ने अपनी जो अभी लॉन्च करी है उन्होंने एस्टर, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा 10 इंच का काफ़ी मैसिव आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 3D नेविगेशन जैसे बेहतरीन आपको फीचर मिल जाते हैं। AC के कंट्रोल्स भी आपको इंफोटेनमेंट में ही देखने को मिलते हैं और उसके नीचे देखने को मिलते हैं। टोटल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो आपको इसमें सेफ्टी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, MG पायलट इंटेलिजेंट ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम मिल जाता है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिल जाती है और बहुत बेहतरीन और बहुत एडवांस आपको सेफ्टी फीचर्स और देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी आपको एमजी जीटी स्पोर्ट्स, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये भारतीय बाजार में आएगी तो क्या लगता है आपको कितना प्राइस रेंज इसका होना चाहिए और ये किससे कंपटीशन में रहेगी, वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।